देख रहे हैं आप ये काम? फिर बोलता है रेलवे जिम्मेदार है। 4565 ट्रेन के लीड पर है। उसके बाद रायता अचार जो है बिरयानी के साथ। तो ये है रौनक घोड़ी रेलवे स्टेशन की। ट्रेन एक्सीलरेट करना शुरू करेगी। लोड शेडिंग के सीन जोन है। मुसाफिर जो है वो टॉर्च लेकर खड़े हुए हैं अपनी अपनी। और सामने ही आप देख सकते हैं कि सखर एक्सप्रेस की जो टेल है वो हमें दिखाई दे रही है। ये काम चेक करें जरा बच्चे के। आप एडिसन ब्रिज मौजूद है ऊपर, लेकिन फिर भी बच्चे को नीचे से ही जाना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूँ इस वक्त रहीमिया खान रेलवे स्टेशन पर, और आज जो है वो मेरा जर्नी होने वाला है रहीमिया खान रेलवे स्टेशन से लेकर कराची तक का, यानी कि कराची के डिगडोट रेलवे स्टेशन तक का। और आज की जो हमारी ट्रेन होगी वो है लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस, जो कि आप लोग सब जानते हैं कि एक प्राइवेट ट्रेन है जो कि एस जमीन कंपनी के पास है। तो आज के मेरे जर्नी में मेरे चार दोस्त भी शामिल हैं, मुझे मिला कर चार दोस्त, कि जिनमें पहले हैं ये नौमान, इसके अलावा है रेल लवर्स पीके के सैफुर रहमान, वो सामने आपको दिख रहे होंगे रेड शर्ट में, और उसके अलावा हमारे साथ हैं फैसल भाई, एडवेंचर्स ऑफ अ पैशनेट ट्रैवलर, जिनका यूट्यूब चैनल है। तो हमारी ट्रेन के आने से पहले जो है एक GMU 34734 कुछ स्लैट बेड कोचेज के साथ आकर रुक चुका है मेन लाइन पर, यानी कि डाउन मेन लाइन पर, और इसने वे दिया है हमारी ट्रेन 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस को वाया लूप, क्योंकि ट्रेन जो है वो यहाँ रहीमिया खान रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। तो इसीलिए मालगाड़ी को मेन लाइन पर रोका गया है ताकि ट्रेन आराम से प्लेटफॉर्म लाइन पर प्लेस हो जाए और मुसाफिर हजरात आराम से ट्रेन में चढ़ जाएँ। तो देख सकते हैं आप गहमा गहमे कितनी है रहीमिया खान रेलवे स्टेशन पर। मुसाफिरों की अगर हम बात करें तो जितने भी डाउन प्लेटफॉर्म पर मुसाफिर हैं वो हैं रहमान बाबा एक्सप्रेस और अवाम एक्सप्रेस के, जबकि जो अप प्लेटफॉर्म पर मुसाफिर हैं ये हैं फरीद एक्सप्रेस के, और इसके बाद फिर मजीद जिक्रिया एक्सप्रेस, पाकिस्तान एक्सप्रेस, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, और फिर तो लाइन ही लगी हुई है डाउन ट्रेन्स की। इसी के साथ ही बताना चाहूँ कि रहीमिया खान जो है वो पाकिस्तान रेलवेज के मार्कर के लिहाज से 650 किलोमीटर पर मौजूद है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो आज का हमारा जर्नी है वो तकरीबन 650 किलोमीटर का होने वाला है। 650 नहीं, आप ये कह दें कि 630 किलोमीटर का होगा, क्योंकि एक डिगडोट रेलवे स्टेशन जो है वो 19 किलोमीटर के मार्कर पर मौजूद है। तो दोस्तों 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस का रहीमिया खान रेलवे स्टेशन पर पहुंचने का जो राइट टाइम है वो 7:13 का है, और फरीद एक्सप्रेस का जो एस्टीमेट अराइवल आ रहा है 7:29। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो आज ट्रेन जो है सिर्फ 16 मिनट लेट चल रही है हमारी। तो ये अब ट्रैक पर एक थ्रू की ट्रेन आ रही है, GU40 के विसल सुनाई दिए अभी अभी। और वो आ गई ट्रेन। लग तो रही है कि स्पीड में है। ये चेक करें चाचा के काम, ये क्या करना चाह रहा है ये। देख रहे हैं आप ये काम? फिर बोलते हैं रेलवे जिम्मेदार है। हद हो गई है इन लोगों पर। GU40 9006।
काफ़ी अच्छी स्पीड में स्किप किया है ट्रेन ने रहीमिया खान रेलवे स्टेशन को, और वो सामने आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रेन यानी कि 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस की लाइट्स भी दिखना शुरू हो चुकी हैं। तो आज हमारा है कोच नंबर 3 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस का लोअर एसी यानी कि एसी स्टैंडर्ड, जो कि यकीनन CFI होगा, और उसमें आज हम अपना सफ़र करेंगे रहीमिया खान से लेकर कराची तक का। तो ये काफ़ी कलरफुल स्टॉल रहीमिया खान रेलवे स्टेशन पर, काफ़ी साफ सुथरा प्लेटफॉर्म यानी कि डाउन प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो ये आ चुकी है 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस, GU20 ट्रेन के लीड पर है। ट्रेन जो है इस वक्त तक सिर्फ 17 मिनट लेट हो चुकी है। GU20 4565 ट्रेन के लीड पर है। कोच नंबर 15, ये शुरू के 3 कोचेज जो है ये सम्मा सट्टा के कोचेज हैं, यानी कि सम्मा सट्टा कोटा के, बाकी जो ट्रेन है वो लाहौर से आ रही है। तो हमारा कोच जो है वो लोअर एसी कोच नंबर 3, टाइम आपके सामने, पावर वैन, पीछे 2 एसी स्टैंडर्ड के कोचेस और उसके पीछे दोबारा से इकोनॉमी क्लास के कोचेस। तो ये कोच नंबर 3 यही है हमारा आज का कोच जिसको हमने सफर करना है। तो ये ट्रेन ने सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद डिपार्ट कर लिया है रहीमिया खान रेलवे स्टेशन से, और अब ट्रेन अपना नेक्स्ट स्टॉप करेगी 7 रेलवे स्टेशन पर। तो ट्रेन ने 7:36 पर डिपार्ट किया है आपके सामने रहीमिया खान रेलवे स्टेशन से। तो आप देखते हैं कि ये ट्रेन 650 किलोमीटर का फासला जो है वो कितनी देर में तय करती है। इस वक्त तक ट्रेन सिर्फ 18 मिनट लेट है और उम्मीद है कि ये टाइम कवर कर लेगी। ये लूप लाइन को छोड़कर हम डाउन मेन लाइन पर आ चुके हैं। अपने केबिन के मैं हालात को दिखा देता हूँ आपको। ये हालात है हमारे केबिन के, और ये रहा हमारा आज का केबिन। वो कोच के हालात थे, केबिन के हालात है नौमान भाई, फैसल भाई, सैफ भाई, और आप खुद भी हैं। मैं खुद तो हूँ यार। तो दोस्तों रहीमिया खान से चलने के बाद ट्रेन अपने पहले स्टॉप पर पहुंच रही है जो के है 7 रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर ट्रेन जो है वो लूप लाइन पर आ चुकी है प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए, और ये प्लेटफॉर्म आ चुका है रहीमिया खान का। तो दोस्तों उस वक्त तो हमें टाइम मिला नहीं था फरीद एक्सप्रेस के बारे में थोड़ी बहुत मालूम लेने का, यानी कि रहीमिया खान रेलवे स्टेशन पर। तो अब हमारे पास थोड़ा सा टाइम है कि हम इस ट्रेन को थोड़ी सी बात कर लें इस ट्रेन के हवाले से। तो फरीद एक्सप्रेस जो है ये लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली एक रेगुलर पैसेंजर ट्रेन है, जो कि तकरीबन सुबह 6 अपना सफ़र शुरू करती है लाहौर रेलवे स्टेशन से, और फिर अगले दिन तकरीबन 7:30 ट्रेन पहुँचती है कराची। तो अगर साथ ही हम लोग इस ट्रेन के रूट की बात करें तो इसका काफ़ी यूनिक रूट है, क्योंकि ये वाहिद ट्रेन है जो रायवंड और लोधरा की ब्रांच लाइन पर चलती है, यानी कि पाकपतन कसूर वाले मुसाफिरों का ये वाहिद जरिया है ट्रांसपोर्टेशन का रेलवे के लिहाज से। तो दोस्तों हमारी ट्रेन का डिपार्चर विजिल हो चुका है, और ये बिल्कुल मेरे सामने से आ रही है कराची पेशावर के दरमियान चलने वाली 13 अब आवाम एक्सप्रेस।
जो कि लूप लाइन पर जा चुकी है, अप लूप लाइन पर सादकाबाद रेलवे स्टेशन की। तो ये AG-U30 है या फिर ZC-U30, या भी कुछ देर में पता लग जाता है। काफ़ी मुसाफिर इस ट्रेन के इंतज़ार में है अब प्लेटफॉर्म पर। ZC-U के विसल्स ट्रेन। अब से हमारी मुलाकात हो चुकी है सादकाबाद रेलवे स्टेशन पर, और अब हमारी ट्रेन आगे बढ़ रही है अपने नेक्स्ट स्टॉप यानी कि ढहरकी रेलवे स्टेशन की तरफ। तो ढहरकी तो शायद इस ट्रेन का स्टॉप नहीं है, ट्रेन अब डायरेक्ट मीरपुर माथेलो पर रुकेगी। दोस्तों ठीक पौने 9 बजे हमारी ट्रेन स्किप कर रही है ढहरकी रेलवे स्टेशन को, और एग्रो फर्टिलाइजर प्लांट जो है वो अब से कुछ ही देर में आप लोग देखेंगे स्टेशन के बाद। एंग्रो फर्टिलाइजर जो कि अपने आप में एक पूरा शहर है। पैकेजिंग वगैरह होके प्रोडक्ट निकल रहा है, बिल्कुल ट्रक में लोड हो रहा है। तो अब सीन कुछ ये है कि भूख लग चुकी है और अब हम लोग जा रहे हैं डाइनिंग कार में खाना खाने के लिए, यानी कि आज का डिनर हम करेंगे डाइनिंग कार में। तो हमारे पास ये ऑप्शन भी है कि हम डाइनिंग कार से खाना मंगवा लें अपने कोच में, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि क्यों ना डाइनिंग कार में जाकर ही खाना खा लेते हैं ताकि उससे भी कवर कर लें। तो डाइनिंग कार जो है वो एक कोच पीछे ही है। तो ये वाला कोच जो है वो पुराना है, लेकिन सेटिंग वगैरह जो है बिल्कुल नहीं हुई है ये। और इस कोच का AC भी काफ़ी अच्छा चल रहा है बनिस्बत पीछे वाले कोच से। तीन है यार ये वाला मेरी कोच।
वो जो है वो डैनी कार का है और आज के हैं डैनी कार। तो आज का सीन कुछ ये है कि आज जो है वो पुरानी डाइनिंग कार का कुछ लगा हुआ है 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस में, पुराने यानी कि CFI लगा हुआ है, CNR नहीं है। खैर इसी में खाते हैं अब। जी सर, क्या खाना पसंद करेंगे आप? जनाब अभी हम देखते हैं मेन्यू में क्या है। मेन्यू में क्या है? चावल रोटी। तो दोस्तों आज के मेन्यू में हमारे पास सबसे पहले पानी की बोतल, उसके बाद ग्लास, फिर टिश्यू ले लो, उसके बाद रायता, अचार जो के है बिरयानी के साथ, रोटी, रोटी के अलावा साथ है ये आलू और चिकन का सालन, और इसके अलावा है ये वाइट कढ़ाई है या ग्रीन कढ़ाई, ये अभी कुछ कह नहीं सकते, खा के पता लगेगा कि ये क्या है, वाइट कोरमा भी हो सकता है। तो कौन टेस्ट करेगा सबसे पहले इसको? कौन करेगा? सालन की फरमाइश है सर, प्लीज सालन बिरयानी की फरमाइश। बिरयानी इधर ले आए, बिरयानी इधर ले आए भाई के लिए, बहुत शुक्रिया। तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी आ चुकी हैं और अब हमारी पूरी डाइनिंग टेबल जो है वो सज चुकी है खाने से। कैसा है सैफ? तो चलें अब खाना शुरू करते हैं, फिर आपसे कुछ ही देर में बात करते हैं। और इस वक्त हमारी ट्रेन जो मीरपुर माथेलो रेलवे स्टेशन से निकली है और अगला जो स्टॉप होगा वो होगा घोटकी। चलें हम इतने खाना खाते हैं। तो दोस्तों ये अभी हम खाना खा कर फ्री हुए हैं, तो हमारी ट्रेन इस वक्त रुकी हुई है घोटकी रेलवे स्टेशन पर, और ये सामने जो आप ट्रेन देख रहे हैं ये है कोयटा पिशावर के दरमियान चलने वाली 39 अब जाफर एक्सप्रेस, और इस ट्रेन की लीड पर लगा हुआ है GU 24561 जो कि ट्रेन को सिब्बी से लगाया गया है और ये ट्रेन को लाहौर तक लेकर जाएगा। तो ये जाफर एक्सप्रेस जो है निकल चुकी है यहाँ से, और ये सामने जो आप कोच देख रहे हैं इसमें बिल्कुल भी लाइट नहीं है, सिर्फ वॉशरूम की लाइट जल रही है, बाकी पूरा कोच अंधेरे में डूबा हुआ है। लाइटिंग काफी अच्छी कोच की रेलवे स्टेशन पर। काफी खाली लग रही है ट्रेन, रश ज्यादा नहीं है। और ये 4565 यानी कि हमारी ट्रेन ने भी अपना फर्स्ट डिपार्टिंग इसमें दे दिया है। तो ये हमारी ट्रेन ने भी चलना शुरू कर दिया घोटकी रेलवे स्टेशन से, और अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा रोहड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो लाइटिंग आप देख सकते हैं कितनी हसीन है घोटकी रेलवे स्टेशन पर, और इतनी रात में अगर थ्रू पास एक्शन हो और ऐसी लाइटिंग हो तो मजा ही आ जाए दिल फैलिंग का। चलें ये एक्सपीरियंस भी करेंगे किसी दिन, कि यहाँ पर भी रेल फैलिंग करेंगे रात के साथ, जबकि जो अप प्लेटफॉर्म है, सॉरी अब जो डाउन प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमारी ट्रेन निकल रही है वहाँ पे इतनी खास लाइटिंग नहीं है, तो तभी मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसी प्लेटफॉर्म पर आ जाए और यही दिखाया जाए आप लोगों को। ये घोटकी के चपाटर्स बेहतरीन। बहुत अच्छी वाइब आ रही है स्टेशन पर यार, बेहतरीन सीन है। तो बंगला स्टेशन आएगा महसर, उसके बाद मन्नो अगेल, फिर मुंडो डे, फिर सांगी मुंडो डेरो, और फिर ट्रेन हमारी पहुंचेगी रोहड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। लेकिन हम सारे स्टेशन कवर नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग पन्नो अगेल स्किप कैप्चर करेंगे अपनी ट्रेन का। जी दोस्तों इस वक्त जो है 9:45 हो रहे हैं और हमारी ट्रेन अब से कुछ ही देर में स्किप करने वाली है पन्नो अगेल कैंट रेलवे स्टेशन को।
जबरदस्त स्पीड में स्किप किया है ट्रेन ने बंदौर के रेलवे स्टेशन को, तकरीबन 100 प्लस की स्पीड में। तो मुझे लग रहा था कि ये कोई पैसेंजर ट्रेन होगी, लेकिन ये तो थी एक मालगाड़ी GU49037 के साथ। चले अब वापस चलते हैं और रोड़ी जंक्शन के आने का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों 10:20 पर हमारी ट्रेन जो है वो आउटर पर पहुंच चुकी है रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन के, लेकिन सिग्नल्स आप देख सकते हैं कि सारे ही अप हैं इस वक्त और ट्रेन आउटर पर आकर रुक चुकी है। तो वैसे तो फरीद एक्सप्रेस को 38 डाउन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लिया जाता है, लेट्स सी आज कौन से प्लेटफॉर्म पर लिया जाएगा। उम्मीद तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ही है, सॉरी 3 कह रहा हूँ, प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो फाइनली तकरीबन 3 मिनट रुकने के बाद ट्रेन को सिग्नल मिल चुका है प्लेटफॉर्म पर लगने का और ट्रेन आगे बढ़ रही है। रोड़ी जंक्शन का केबिन, डाउन केबिन। तो ये अब हमारी ट्रेन जो है 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस बिल्कुल मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ही लग रही है रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन के। तो यहाँ पर ट्रेन में मेंटेनेंस वगैरह होगी, ट्रेन में पानी वगैरह भरा जाएगा, ड्राइवर्स वगैरह की ड्यूटीज चेंज होंगी, जो लास्ट में गार्ड साहब होता है वो चेंज होंगे, यानी कि टेक्निकल स्टॉप आप कह लें से रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन को। पाकिस्तान रेलवेज का हर ट्रेन का टेक्निकल स्टॉप है ये। ये है रौनक रोड़ी रेलवे स्टेशन की। बर्फ मिल रही है ये देखिए आप। अचार और हलवे के स्टॉल्स, चाय वगैरह के स्टॉल्स, काफी कलरफुल स्टॉल्स। तो ये फाइनली हम पहुंच चुके हैं रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। टाइम हुआ है 10:32। कैसा लगा अरावल? यार अरावल बड़ा जबरदस्त था, मजा आया, मजेदार। तो दोस्तों ये हम आ चुके हैं अपने ट्रेन के लोकोमोटिव के पास, यानी के GU24565 के साथ। और हैरानगी की बात यह है कि इस वक्त रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सिर्फ हमारी ही ट्रेन खड़ी हुई है, यानी कि कोई भी अब ट्रेन इस वक्त मौजूद नहीं है रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन के चारों प्लेटफॉर्म पर। 2860 लीटर फ्यूल है इस वक्त लोकोमोटिव के अंदर, यानी कि GU20 के अंदर। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि 10:33 पर हमारी ट्रेन को जो है वो सिग्नल हो चुका है यहाँ से डिपार्ट करने के लिए, और अब से कुछ ही देर में ट्रेन जो है अपना फर्स्ट डिपार्टिंग विसल दे देगी। इससे पहले कि ट्रेन अपना फर्स्ट डिपार्टिंग विसल दे और यहाँ से जाए, हम चलते हैं अपने कोच की तरफ। तो दोस्तों ये हमारी ट्रेन का डिपार्टिंग विसल हो चुका है, फर्स्ट डिपार्टिंग विसल, और ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 से निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत शुक्रिया अमजद भाई यार आप आए मिलने, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी आपसे। बंदा रह गया।
भागो भागो भागो। ट्रेन यहाँ से निकलने के बाद रिहोड़ी के पहाड़ों में जाएगी और फिर वहाँ से होती हुई डिपार्ट करेगी रिहोड़ी जंक्शन से। क्योंकि आप लोग जानते हैं ये पूरा एक पहाड़ी इलाका है और रिहोड़ी का स्टेशन जो है ये भी बेसिकली पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। रोड काफ़ी नीचे है यहाँ पर। रिहोड़ी जंक्शन साउथ केबिन ट्रेन एक्सीलरेट करना शुरू करेगी। इसके अलावा जो अप ट्रैक का सिग्नल है वो भी डाउन है प्लेटफॉर्म नंबर 3 के लिए, वहां से भी एक ट्रेन आ रही है। तो अब रोड़ी से चलने के बाद जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि चाय ले आए हैं, चाय आ चुकी है। चलें सर, आ जाएं चाय पी लें इससे पहले कि ठंडी हो जाए। अभी बहुत गर्म है, एसी भी तेज चल रहा है तो चाय तेज चल रहा है। बर्फ बना दी उसने, आइस बेहतरीन, चादर ले लो। तो दोस्तों 12:02 पर ट्रेन जो है ये मैरापुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है, लेकिन स्टेशन पर इंतहाई अंधेरा है। इसका लोड शेडिंग के सीन जोन है, मुसाफिर जो है वो टॉर्च लेकर खड़े हुए हैं अपनी अपनी, दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। अंधेरा ग्रुप है मैरापुर रेलवे स्टेशन पर। तो रोड़ी से चलने के बाद ये स्टेशन आया है पहला जहाँ पर ट्रेन ने स्टॉप किया है, और इस वक्त टाइम हुआ है 12:02। तो यहाँ से कोयलों पर वैन में कोयला वगैरह लोड किया जाता है ट्रेन में। जैसा कि आप देख सकते हैं कोयला पड़ा हुआ है और साथ ही कोयले के कोचेस खड़े हुए हैं बराबर में ही। ट्रक्स के जरिए कोयला इनमें लोड किया जाता है और फिर इंजन इन्हें ले जाता है जहां इन्हें जाना होता है। फिर बिंदासन रेलवे स्टेशन में जो आप ये सवारी देख रहे हैं ये 13 अवाम एक्सप्रेस की और 151 अब शालोदीप एक्सप्रेस की। बाकी खुशहाल खान खट्टक एक्सप्रेस का भी यहाँ पर स्टॉप है लेकिन वो फिलहाल सस्पेंडेड है। चार ट्रेन तो वो बिल्कुल सामने से मेरे इस वक्त आ रही है जेड सी 30 के साथ, 30 पवाम एक्सप्रेस।
दोस्तों ये हमारी ट्रेन चुम्मागुड़ के आउटर पर रुकी हुई है और सामने ही आप देख सकते हैं कि सखर एक्सप्रेस की जो टेल है वो हमें दिखाई दे रही है कि सखर एक्सप्रेस इस वक्त रुकी हुई है चुम्मागुड़ रेलवे स्टेशन पर और हमारी ट्रेन उसके पीछे और हमारी ट्रेन के पीछे भी जो है वो 46 जोन पाकिस्तान एक्सप्रेस इस वक्त आ रही है जिसकी लाइट्स मुझे दिखना शुरू हो चुकी हैं, विजिबल हो रही हैं लाइट्स, हो सकता है कैमरे में ना दिखाई दे रही हूँ। और ये सखर एक्सप्रेस के बिल्कुल आगे चल रही है टू डाउन खैबर मेल। तो इस वक्त तक हमारी ट्रेन यानी कि 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस जो है तकरीबन 2 घंटे लेट हो चुकी है, जबकि जब हम सोए थे रात में तो उस वक्त तक ट्रेन तकरीबन जो है 25 मिनट लेट थी। तो रात में तो हमने आप लोगों को ट्रेन का इंडिकेटर दिखाया, तो अचानक एक बार दिन की हालत में भी मैं आप लोगों को अपने केबिन का एक विजिट कराता हूँ। ये हालात हैं हमारे कुछ केबिन के, सैफ भाई लेटे हुए हैं। बस अफसोस की बात ये है कि आज हमें चार्जिंग सॉकेट्स नहीं मिले, बाकी केबिन में है लेकिन सिर्फ हमारे केबिन में नहीं है। बाकी इंटीरियर वही सेम, ऊपर फैन जो कि प्रॉपर वर्किंग में है, एसी इस पर काफ़ी तेज चल रहा है, चिल हो रहा है पूरा केबिन हमारा। और ये हमारे ड्रिंक्स वगैरह यहाँ पर रखी हुई हैं हम सब। जंक्शन पर पहुंच चुकी है हमारी ट्रेन सिर्फ 2 घंटे लेट और इसकी वजह क्या है ये मैं अभी आपको कुछ देर में बताता हूँ। एनएलसी का एक ईएमडी लोकोमोटिव खड़ा हुआ है लांडी रेलवे स्टेशन के लूप लाइन पर, चलिए अब थोड़ा सफर आगे करते हैं ताकि GU20 का थोड़ा साउंड भी रिकॉर्ड कर लें। तो 8:20 पर ट्रेन डिपार्ट कर रही है लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन से और अब हम आ चुके हैं लोकोमोटिव के बिल्कुल पीछे ताकि इसकी भी थोड़ी सी आवाज़ रिकॉर्ड कर लें, GU20 का थोड़ा एग्रेशन रिकॉर्ड कर लें। लैंडिंग स्टेशन से निकल रही है आहिस्ता आहिस्ता,
सफर था, हमारा सफर था, बहुत अच्छा रहा सफर। जी दोस्तों, तो 8:38 पर जो है हमारा ये जर्नी कंप्लीट हो चुका है रेमिया खान से लेकर डिगरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन तक का। और ये पूरा सफर हमारा था 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस में लाहौर कराची के दरमियान चलने वाली, जो कि एक प्राइवेट ट्रेन है और एस जमीलन कंपनी के पास है। तो ट्रेन इस वक्त जो है वो तकरीबन 2:05 लेट हो चुकी है। और इस ट्रेन के लेट होने की वजह ये है कि रात में जब हम सोए थे तकरीबन भिरिया रोड के आसपास, तो उस वक्त ट्रेन तकरीबन 20 लेट थी, लेकिन जब सुबह उठे हैं तो ट्रेन के बारे में देखा कि ट्रेन तकरीबन 2 घंटे। और इसकी वजह यह है कि मीटिंग रेलवे स्टेशन पर जो कुछ दिन पहले हादसा हुआ था 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस का, तो उसकी जो पावर वैन है उसको उठाया जा रहा था, यानी कि उसको वापस रीरेल किया जा रहा था, जमीन से उठाकर पटरियों पर लाया जा रहा था, जिस वजह से ट्रेन वहां पर काफी लेट हो गई। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इससे आगे चलने वाली 2 डाउन खैबर मेल, उसके पीछे चलने वाली 146 डाउन सखर एक्सप्रेस, फिर ये फरीद एक्सप्रेस और इसके पीछे आने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस, ये चारों ट्रेन जो है काफी लेट हो गई सिर्फ उस पावर वैन को रिलेल करने की वजह से। तो ट्रेन ने फर्स्ट डिपार्टिंग में से दे दिया अपना और ट्रेन यहाँ से निकल रही है। चलें आप लोग ट्रेन बकाया रेक देख लें। तो ये ट्रेन अब निकल रही है कराची सिटी रेलवे स्टेशन के लिए डिगरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन से। ये जो GU20 आप देख रहे हैं, ये ट्रेन को कल सुबह लाहौर से लगाया गया है, जो कि तकरीबन जो है 26 घंटे से इस वक्त तक ट्रेन की लीड पर लगा हुआ है और आगे मजीद तकरीबन 1.5 से 2 घंटे और लगेंगे इसे कराची सिटी तक जाने में और फिर कराची सिटी से दोबारा लोगों को चढ़ाने में। काफी अच्छा पिक किया है GU20 ने ट्रेन को, इंजन छोटा है लेकिन बहुत आला इंजन है पाकिस्तान रेलवेज का। तो ये था हमारा सफर रेमिया खान से लेकर कराची तक का। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आपसे जल्दी बात होगी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।